मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लाल बहादुर नगर में पहुंचकर यहां प्राचीन हनुमान मंदिर और साईं मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। भेंट मुलाकात में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों मेरे साथ आए हैं, विधानसभा में बैठकर हम योजना बनाते हैं और सचिवालय में इस पर बारीकी से कार्य होता है, फिर जिला प्रशासन इसे कार्यान्वित करता है। ये ठीक से हो रहा है या नहीं ये जानने आया हूँ। राशन के बारे में मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सबको हमने आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, सबका राशन कार्ड बन गया है। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने, लाल बहादुर नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, साथ ही ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केंद्र खोलने, ग्राम आलीवारा में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, माटेकसा से पिनका पर वृहद पुल निर्माण की घोषणा की। अभी तक के बस्तर संभाग के सभी विधानसभा, सरगुजा के सभी विधानसभा, ओकर बाद रायगढ़ जिला, फिर मरवाही, ओकर बाद फिर बालोद, और बालोद के बाद कंवरधा, कंवरधा के बाद चांपा जांजगीर, ये सब जिला मल्ल हर विधानसभा में घूमत आज आज आपके यहाँ डोंगरगांव विधानसभा में उपस्थित हैं। धान लुवाई कस के चला थे और ओकर बाद भी बड़े संख्या में हमारे साथी मन आए हैं। हमारे सरकार बनीस तो सबसे पहले हमारे ऋण माफी करें, फिर 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करें, भाई गन्ना भी खरीदा था, देश में सबसे ज्यादा गन्ना कीमत छत्तीसगढ़ में है, मक्का भी खरीदा था,